जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने विश्व क्षय रोग दिवस के संबंध में कहा कि शासन का निर्देश है कि 2025 तक टीवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए जिले के सभी सीएचसी पीएससी पर सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि गाँव के सभी प्रधानों जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजित करके टीवी से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। यदि किसी क्षेत्र में अगर कोई टीवी का मरीज मिलता है तो उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा जनपद में 4600 टीवी मरीज चिन्हित हुए हैं, उन सबको गोद लेने के लिए प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है और उद्यमियों से भी टीवी मरीजों को गोद लेने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, विश्व क्षय रोग दिवस है, जैसे हम लोग सभी की मंशा है कि 2025 तक टीवी उन्मूलन की कार्रवाई संपूर्ण किया जाए और हमारे जनपद उसमें अग्रणी रहने के लिए हम प्रयासरत हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल हमारे सीएचसी पीएससी में कलेक्ट हो जाएं, स्पूटम सैंपल्स कलेक्ट हो जाएं, डॉट्स केंद्र सक्रिय रहे हैं, सभी एमओएसएस की कल बैठक ली गई है। आज सभी प्रधानों को और स्थानीय प्रतिनिधियों को हम लोग ऑनलाइन एक गोष्ठी आयोजित करा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको टीवी की जानकारी दी जाएगी और अपने प्राधिकार क्षेत्र में अगर कोई केस मिलता है, कोई सस्पेक्ट मिलते हैं या किसी तरह के उपचार की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कैसे उपचार कराना है, कैसे उनका उनकी देखभाल करके उनको इस बीमारी से बाहर लाना है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सहभागी बनाया जाएगा और इसको एक जन आंदोलन के रूप में चलाना है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा सभी मीडिया के साथियों से भी कि वो टीबी उन्मूलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें, संदेश पहुँचाएँ, उसकी बारीकियों के बारे में अवगत करें। सर, गोद लेने की बात की, तो जितने भी आज की तारीख में हमारे जनपद में चिन्हित हुए हैं 4600 टीबी मरीज, उन सबको गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। मेरे द्वारा, हमारी सभी टीम के जिला सभी जिला डिपार्टमेंट्स के हेड्स द्वारा टीबी मरीजों को गोद लिया जा रहा है और साथ ही साथ स्थानीय प्रतिनिधियों को भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो गोद लें और एक जन अभियान के रूप में हो। इसमें उद्यमियों से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर प्रतिभागिता दिख रही है। हमें पूरा विश्वास है कि इसी जज्बे के साथ अगर काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों में ज़रूर कामयाब होंगे।